हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं शिकारी माता मंदिर में, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और उसके बाद आपको ले चलेंगे हम मनरेगा पार्क में, जहां बहुत सी नेचर एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छा उसको वेल मेंटेन किया है, बहुत अच्छा पार्क है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अभी हम जंजैली में हैं, अब आपको नेक्स्ट सफर हम दिखाते हैं। तो चलो मिलते हैं दोस्तों कुछ देर में। दोस्तों ये आ चुके हम जंजैली, जहां पे हम ये जगह है पांडव शिला। ये देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं पांडव शिला। यहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान है जो मात्र एक हाथ लगाने से आप इसको हिला सकते हैं। बहुत बड़ी चट्टान है। आइए नजदीक से इसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ श्रद्धालु लोग इसको हिला रहे हैं और ये बड़े इजीली आप इसको हिला सकते हैं, बस भक्ति होनी चाहिए। दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम शिकारी माता से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे, और ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। किसी का भी मन मोह लेगा ये दृश्य। देखिए यहाँ पर मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं, आप सामने देख सकते हो काफी सारी गाड़ियां लगी हैं पार्किंग में, और ये कुछ शॉप्स, लोकल शॉप्स हैं। यहीं से हम पैदल जाएंगे शिकारी देवी माता के मंदिर में। तो देखिए आप, वाह क्या रास्ता है, क्या मजा आ रहा है। एंजॉय कीजिए दोस्तों। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लेह में चल रहे हों, ले लद्दाख रूट पे। काफी ठंड है दोस्तों यहाँ पर, मुझे लग रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है। कान और नाक बहुत ही ठंडे हो चुके हैं हमारे। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, आगे से जहाँ आप लोग देख रहे हैं राइट टर्न लेके, बस वहीं पहुंच जाएंगे हम। यहीं से शॉर्टकट अपना लेते हैं। फ्रेंड्स जी, हम शिकारी माता के लिए स्टेप्स चढ़ रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा कितनी स्टेप्स हैं, पर 500 से बहुत ज़्यादा स्टेप्स है यहाँ पर। एग्जैक्ट स्टेप्स के नंबर मैं आपको बता दूंगा। तो ये देख सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते ही जा रही हैं, बहुत उस सामने आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं।
उड़ते तब क्यों लाए ना रे छोड़ो नीचे दोस्तों। अब हम जा रहे हैं वापस। तो दोस्तों ये सीढ़ियां हमने पता करी हैं बिल्कुल। तो ये जो सीढ़ियां हैं ये 776 इतनी सीढ़ियां ये नीचे से ऊपर तक हैं। और उसके बाद अब मंदिर तक और कंस्ट्रक्शन चली है जिसमें कि 200 से 250 या 250-300 तक सीढ़ियां और बन रही हैं। फिर उसके बाद ये सीढ़ियों का आंकड़ा 1000 सीढ़ियों से ऊपर चला जाएगा। फिलहाल ये सीढ़ियां 776 है दोस्तों। तो अब हम चल पड़े हैं वापस। बहुत ही सुंदर ये जगह है और काफी अभी दोपहर के 11:30 हैं तो काफी लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तकरीबन 700-800 के करीब। तो आज लगता है यहाँ पे 5000 के करीब टूरिस्ट और श्रद्धालु लोग आ सकते हैं। यह है दोस्तों मनरेगा पार्क। अब हम अंदर आ चुके हैं। इसमें एंट्री फीस 10 रुपीज है जो यहाँ के रख रखाव साफ सफाई के लिए यूज होता है। 10 रुपीज पर पर्सन। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे यहाँ पे देवदार के पेड़ लगे हैं और बहुत ही अच्छा है, ठंडा मौसम है। बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं काफी सारे, आज चहल पहल काफी है। वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर है, इसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। रेट्स इनके मुझे पता नहीं है, वो तो पता करके लगेगा। छोटा सा पॉन्ड है एक। तो माँ बगला मुखी टेम्पल, बगलामुखी जी का प्राचीन मंदिर देख सकते हैं। आर्किटेक्चर कितना बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना टेंपल। यहाँ पे दोस्तों एक टेंपल है, श्रीदेव मतलोड़ा मंदिर। यहाँ पे जय हो भगवान श्री। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं अगर नेचर को आपने एंजॉय करना है। हरे भरे पेड़ और बहुत कुछ नई नई चीज़ें। लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि समय का अभाव है और वैसे भी हम इन जगहों से भली भांति परिचित हैं। तो कुछ जो नए हमारे दोस्त यहाँ आएंगे वो ज़रूर कृपया करके नेचर का आनंद लें यहाँ से आगे जाके। ये रहे मनरेगा की शान पार्क की मोटू एंड पतलू।